ब्रीथिंग लेने में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, सांस फूल रहा है। ओह मेरे दोस्त का नाम है हैरी पॉटर, सीधा कह जाना। गुड मॉर्निंग जनता, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना है बनता। सभी लोगों को शंकर भगवान की जय। सुबह के 7 बज गए हैं और अभी हम सब लोग फ्रेश होके केदारनाथ की चढ़ाई के लिए तैयार हो रहे हैं। मैं तो तैयार हो चुका हूं ऑलमोस्ट, बस कुछ ही फ्रेंड रह गए हैं। तैयार होने के बाद हम यहां से केदारनाथ की चढ़ाई करेंगे और जिस होटल में हम रुके हुए हैं उसी होटल में अपने बैग को जमा करेंगे और आते टाइम में कलेक्ट करेंगे। तो रेडी हैं सब लोग केदारनाथ की चढ़ाई के लिए। चलिए बीच बीच में अपडेट देते रहेंगे और मिलते रहेंगे। हेलो गाइस, तो फिर हम अपने बैग जमा कराने जा रहे हैं। बैग जमा कराने के बाद फिर हम निकलेंगे केदारनाथ की चढ़ाई के लिए। बोल शंकर भगवान कीजिए, अब हम बैग जमा करा देते हैं फिर मिलते हैं। माल लाया? तू रोकड़ा लाया? ये क्या बैग भर के लाया हूँ? तो मैं क्या खाली बैग नहीं लाया? फिर ऐसे हो ये चेन तोड़ दी, ये तोड़ दी लगता है ना कुछ ऐसे। ये आज की बैग है? देना दो बैग। तो गाइस अब हम होटल से निकल चुके हैं और चढ़ाई करने के लिए तैयारी है। बस थोड़ा सा सामान ले रहे हैं ये लोग और फिर चलना स्टार्ट कर देंगे। देखते हैं कितना टाइम लगेगा हमें चढ़ाई करने में। सुन भाई, क्या होगा, खरोड़े खराब है तुम्हारे, घुटने खराब हो गए शादी के बाद हैं? चलो ये वाले ठीक है, इनके घुटनों का ग्रीस खत्म हो चुका है इस वजह से इन्हें जैक की जरूरत है। बीच में हमें एक छोटा सा वाटरफॉल मिला। थक गए ये लोग, स्पीड कम है इनकी। चाचा कहाँ रह गए? चाचा चाचा क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? चलो हार मान गए, रुक जाते थोड़ी ना, रुक क्यों जाते, चलते रहते हैं। हाँ क्या हुआ दादा, कैसा लग रहा है लव भाई को, कैसा लग रहा है? बढ़िया। वैसे बहुत तेज चल रहे लव भाई, सुनील दादा सबसे पीछे, एवरेज कम है इनकी, बहुत कम एवरेज है। मेरी चल रही है, मेरी 45 की एवरेज चल रही है, इनकी 35 की, ये दे रहे हैं 100 की स्पीड। 100 की सभी लोग सब्सक्राइब करो भाई को, ऐसी बात पे बोलो जय शंकर महाराज की जय। हर महादेव। आप कहाँ से हो ब्रदर? मैं सोलापुर से हूँ भाई। महाराज कैसा लग रहा है भाई आपको? बहुत ही बढ़िया लग रहा है, बहुत ही अच्छा हुआ। ये आपका फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम। वेरी गुड, तो फिर यहाँ से और यात्रा भी करोगे क्या केदारनाथ? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शंकर भगवान की जय। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस सेम टू यू गाइस। हेलीकॉप्टर राइड, अगर कोई घर में एजिड लोग हैं उनके लिए हेलीकॉप्टर भी अवेलेबल है। 1 वीक पहले ही रजिस्ट्रेशन कराना होता है। तो थोड़ा बहुत सफर तय करने के बाद एक ब्रेक मारा हमने, ये स्टॉप अच्छा है। गाइस बहुत ज़्यादा खतरनाक चढ़ाई है भाई साहब।
बिजी लगता है, बिजी लगता है बट है नहीं। वैसे कुछ मतलब डेयरिंग कुछ नहीं है लाइक नहीं कुछ ना, वैसा कुछ नहीं है, बट ये है कि जो चलना पड़ता है ना उसकी ऊंचाई की वजह से। आपने अभी देखा होगा कुछ सिनेमैटिक शॉट्स या फिर देखा होगा कि हिमालय कैसा दिख रहा है जहाँ पर हमें जाना है, तो वहाँ जाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो गाइस हमने 5 किलोमीटर पार कर दिया है, उसके बाद एक आया सुंदर नज़ारा, ये देखिए एक और वाटरफॉल बहुत ही मस्त। जितना चल के आए हैं बॉडी को रिलैक्स करने के लिए ये भी मिल जाए, बहुत अच्छी बात है। और देखो उन्होंने मेरा क्या हालत कर रखी है, ये मेरे को हैंगर बना रखा है इन्होंने, ये देखो ये देखो मेरे को स्टैंड बना रखा है। कैसा लगा आपको? मतलब ये है कि अगर ऊपर जाके आप अगर नहा लिए ना एक बार तो पूरा एनर्जी चार्ज है। एक बार और जो आपने एक नई शायरी लिखी थी जो हमने कल सुनाई थी वो सुना दो, ये लीजिए तीजी की। तो थोड़ा तो चाचा बतौली जी ने जो लिखा था मैं एक बार और रिपीट कर देता हूँ। चलो कोई नहीं, ना दिन देखेंगे ना रात, सीधा जाएंगे कैसा ना, ये हमारे चाचा बतौली जी लिरिक है। अब ये चढ़ाई करके इतना ब्लास्ट हो चुके हैं, इनकी एनर्जी इतनी डाउन हो चुकी है कि इनकी कलम भी नहीं उठ रही है, तो हम कुछ सुना नहीं पाएंगे आपको, बट बीच बीच में अगर इन्होंने कुछ कोशिश करी तो जरूर सुनाएंगे। चलिए मिलते रहेंगे बीच बीच में, अच्छे अच्छे व्यूज दिखाते रहेंगे। ओ भाई साहब आप लोग नहा के आ गए, मौज पूरी ठीक है, ले लीजिए अपना एक जीवन साथी, ये हमारे दोस्त है। तेरे दोस्त का नाम क्या है? इस दोस्त का नाम क्या है? इसका नाम है लाजवंती। लाजवंती आपके दोस्त का नाम क्या है? आपके दोस्त का नाम क्या है? ओ एक्सक्यूज मी आपके दोस्त का नाम क्या है? डंडी। डंडी पट्टा। पट्टा हमारे दोस्त का नाम क्या है? मेरी बसंती। और मेरी बसंती वहाँ रह गई, मैं उसे लेके आता हूँ। ये लो भाई एक बार बस एक शॉट, मैं अपने दोस्त के तो बता दूं। हाँ ये मेरा दोस्त है, वहाँ रह गया था इन लोगों के चक्कर में, और मेरे दोस्त का नाम है हैरी पॉटर, सीधा कह दाना। ओह माय गॉड, वाओ। अभी क्या हुआ, लव भैया के पास मोटी डंडी थी बहुत ज्यादा, तो दिवेश ने कह रहे हैं कि भाई तुम ये पतली ले लो, तो मतलब यार बंदे को बंदे के हिसाब से डंडियां दे रहे हो तुम्हें, ये तो गलत बात है। तो ये भाई फुल मौज मस्ती करते हुए कौन सा घोड़ा है, ठीक है ऐसी। अभी हमारे दो बंदे हैं जिनके पास पूरी टैबलेट है, पूरा पत्ता उन्हीं के पास है, पत्ता वो फिर भी आगे नहीं आ पा रहे। दोनों के दोनों 65 से ऊपर है ना, एक की है तुम भाई कितने होगी, 72 साल के वो हैं, और छोटे वाले जो है वो 69 रिटायरमेंट पे है, बट हम लेके आ गए उन्हें फिर भी आ गए आ गए। ये देखो ये जो रेड वाली जिपर में है ना जैकेट में, उनकी है 72 एज और इनकी है 69। हाँ ये मतलब हाँ ये समझ लो कि राजपूताना खानदानों की शान है दोनों। इनकी इनकी है 72 साल, बुढ़ापा झलक रहा है। ब्रीथ कैसी आ रही है आपकी, ऑक्सीजन वगैरह आ रहा है? नहीं बता देना फिर मैं छाती पे वो प्रेस करूँ कहीं तुम्हारे। लव भैया तो हवा पे चल रहे हैं बस। हम जो बोले थे ना कि गोली का पत्ता वहाँ पर है, तो ये रही हमारी गोली, ये है हमारी गोलियाँ, एक मारते अंकल जी थैंक यू, अंकल जी चॉकलेट खा रहे हैं।
अब हम हो गए हैं चार्ज, सीधा चलेंगे। तो हमने एक छोटा सा ब्रेक लिया, उसके बाद दोबारा एनर्जी आई है। और ये मेरा थॉर मेरे साथ है, इसका थोड़ा कर रह गया, नहीं तो उसका हाथ पकड़ के सीधा केदारनाथ जाता। चलिए, कैप्टन अमेरिका कैप में, और बीच में है हल्क और स्पाइडरमैन। आपके मिरर में तो पता ही है, हैरी पॉटर। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? भाई तुम इतना धीरे धीरे आ रहे हो हैं, क्या चक्कर है? तुम केदारनाथ की चढ़ाई करने आए हो या यहाँ पे वो करने आए हो एडवेंचर? हाँ, ओ अगला बंदा ये बोल रहा है खीर गंगा पे ना मैंने बहुत। ओके गाइस, देख रहे हो कितना बढ़िया नजारा है यहाँ पर, फॉग वगैरह सारी चीजें हो रही हैं। और ये अबे भाई ये क्या कर रहे हो? अरे भाई ये बंदा ना बहुत ढीला पड़ रहा है, इसे अपने नियम के अनुसार जैसे हमारे गुरु जी ने बोला है इस बंदे को साथ लेके चलना है। ये मैंने पकड़ लिया इन्हें, अब जो स्पीड मेरी होगी वो स्पीड इनकी होगी। कहने का मतलब ये है दिल्ली के मामले में, नहीं दिल्ली की लैंग्वेज बोलता हूँ, इनको टॉर्चर कर रहा हूँ। मेरी तो मजबूरी है, हो रहा हूँ। बहुत धीरे चल रहे हैं यार। चलो गाइस, जैसे कि आपने देखा बीच में बहुत सारे वाटरफॉल पड़े, और उन सब में ये वाला वाटरफॉल बहुत ही औसम है। मन कर रहा है नहा जाए। हमारे सामने कर नहीं पाता बात। भाई भाई और रुको, सुनील भाई लाओ ये देखो, मुझे अपना सब तुम पकड़ के लेके आना। हाँ बेटा बड़े चालू हो, हमें भी बना दो कैमरा मैन। तुम ऊपर आ जाओ, मैं कैमरा पकड़ लूंगा। हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, ये काली भैंस चढ़ती हुई। थैंक यू सो मच, मोस्ट वेलकम। बैग यहीं रहने दे। अरे बैग तो यहीं रहने दो, क्या बोल रहा है? मैं बैठ रहा हूँ। ठीक है तो गाइस, भाई यहाँ पे नीचे हमारे बैग के पास बैठेंगे, लेकिन ऊपर से आने के लिए हो रही है, फिर हम जाएंगे ऊपर, मैं आपको ऊपर से व्यू दिखाता हूँ। यो अचीव कर लिया ये वाला टारगेट भी, इससे मैं डर के भगा था, डर के आगे जीत है। तो फाइनली हम बहुत फास्ट पहुंच गए, ये देखिए यो टॉप कर दिया। कुछ क्लच ब्लर हो गई है, ब्लर। अब हम वापिस जा रहे हैं, बहुत अच्छे से नहा लिए वाटरफॉल के नीचे, इतना मजा आया, बहुत ज़्यादा मजा आया, ऐसे लग रहा था कि ऊपर से कोई पत्थर ना आ जाए पानी साथ। भाई साहब इतना मजा आ गया, कुछ कहने की हद नहीं। चलो भाई अब बारिश भी आएगी, उसमें भी नहाना है। नहीं लग रहा देख लिया। ओ भाई चलो हम थोड़ा कपड़े सुखा ले अपने। गाइस देखा आपने, एक और वाटरफॉल मिला हमें। इधर बोलिए सर। थैंक यू। हाँ ये है, अच्छी है, तुम बिंदास चले जाओ। थैंक यू अंकल, शंकर महाराज के जय। तो 8 किलोमीटर दूर रह गया है, यहाँ से कट रहे हैं दो रास्ते, एक राइट में एक लेफ्ट में। तो हमें अब कौन से जाना है अभी डिसाइड करेंगे, बट हमारा एक बंदा बहुत आगे चला गया है, उसके चक्कर में हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कहाँ जाएंगे। अब ये नहीं पता वो राइट में गया या लेफ्ट में गया। हमारे रेनकोट भी उसी के पास है। आ जाओ भाई डिसाइड कर लिया। देखिए एक और ब्यूटीफुल व्यू। हाय गाइस, हाय हाउ आर यू? वाओ जन्नत। अब बारिश तेज हो चुकी है तो हमें रेनकोट पहनना चाहिए, सबने पहले से डाल रखा था, अब मैं पहनना हूँ।
60 साल के हो गए। फिर से बैठोगे? इनकी सांस भूल गई। मैं तो बैठूं। और ये 40 साल के बोल शंकर महाराज जय। 40 साल की उम्र में फिर भी इनका जोश इनका एकदम हाई लेवल पे है। I am 16 years old. Are you comedy me? तो हमारे सामने एक और ब्यूटीफुल व्यू हिमालय। ये देखिए हिमालय, बहुत खतरनाक व्यू। तो गाइस हमारे फोन में बैटरी कम है, तो सोच रहे हैं थोड़ा आगे जाके भी व्यू ले। तो अभी हम थोड़ी थोड़ी क्लिप बनाएंगे बस, और ब्रीथिंग लेने में थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है फ्रेंड्स लोगों को, मेरे को इतनी हो रही है, बट स्टेमिना कम है, सांस फूल रहा है। ओह चलिए मिलते हैं गाइस। अभी मुझे एक छोटी सी क्यूट सी बच्ची दिखी आती हुई, और उसको देख के बहुत अच्छा लगा कि छोटी सी बच्ची भी भोले बाबा से मिलने के लिए जा रही है। बहुत बढ़िया, बच्चों के अंदर होना चाहिए। दिखाता हूँ मैं आपको, आप कहाँ पे आए हो? हाँ केदारनाथ मंदिर। कैसा लग रहा है? कितना अच्छा, बहुत अच्छा। कब? सुबह चले थे आप नीचे से? ओके मजा आ रहा है ना। बाय। मम्मा छोड़ के चली गई। बोलो मम्मा छोड़ के चली गई। अच्छा तो डैडी के साथ हो। यहीं चलते रहो। तो हमने एक और स्टॉप मारा है, ये देखिए सब बैठ गए हैं। अब यहाँ से केदारनाथ सिर्फ 2 किलोमीटर बचा है, और ये देखिए पीछे हेलीकॉप्टर जा रहा है। और आपको भी दिखाता हूँ एक और बहुत ही ऑसम व्यू। पास में ठंड लग रही है पहुँचने से। ये देखिए भाई, पता है ये वाला जो पहाड़ है ना, ये वाला मतलब बर्फ़ गिर सकती है इस वाले पहाड़ पे, अगर ये हिमालय से फ्रेंचाइजी ले ले तो। हाँ बट ये है कि ऑफिस खुला हुआ है वहाँ पे, ये जो क्लेंसेस आ रही है ना, तो फ्रेंचाइजी ले लेंगे ना, तो इधर भी बर्फ गिरेगी। गाइज ये आए थे व्लॉग करने, ठीक है, और अब ये विलाप कर रहे हैं। मेरा गला सूख गया है, बोल नहीं पा रहा हूँ। अच्छा। सिर्फ यहाँ से 1.5 किलोमीटर बचा है, सिर्फ मतलब 2 किलोमीटर समझ लो। अब एक मैगी खाएंगे पहाड़ों की, फिर चलेंगे, और अगर हमारे नसीब में रहा तो आज हमें केदारनाथ 8 बजे आरती मिल जाएगी भोले बाबा की। अच्छा। और अगर वो नहीं मिल पाई तो सुबह यहाँ पे स्टे करेंगे और नाइट की आरती दोबारा देख के जाएंगे। हेलो जनता, लाइक कमेंट शेयर करना है बनता, बिकॉज आप देख रहे हैं केदारनाथ मंदिर। भोले बाबा जी की आरती अभी ख़त्म हो चुकी है, अब हम सुबह मंदिर में जाएंगे, दर्शन करेंगे बहुत अच्छे से, और फिर मिलते हैं आपसे, सुबह दिखाएंगे आपको अच्छे दर्शन।